हेलो, जय भोले बाबा जी जय की। भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी जो एक मतलब यात्रा से रिलेटेड काफी कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि जम्मू में तो जैसे लॉकर वगैरह अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कोई यात्री उधमपुर में मतलब उतर रहे हैं और वहां पे अपना सामान रखना चाहते हैं वो, तो वहां पे लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी? नहीं जी, उधमपुर में कोई फैसिलिटी नहीं है लॉकर की, ना ही रेलवे स्टेशन पे है, ना ही कोई ऐसा क्लॉक रूम है, ना ही कोई ऐसी फैसिलिटी कि आप अपना सामान रख सकते हैं। जम्मू में ही है, वो भी यात्री निवास भगवती नगर में है। या वहाँ पे जो शॉप्स वाले होते हैं, कुछ पैसे लेके आपका बैग वगैरह रख लेते हैं। जो मैंने यात्रियों सुने हैं, जो मतलब हर साल जाते हैं यात्री, उन्होंने अपनी अपनी सेटिंग कर रखी है वहाँ पे ना, कि शॉप वाले से किसी घर में तो वो रख लेते हैं। बाकी ऐसी फैसिलिटी उधमपुर में कहीं नहीं है। ठीक है, तो मतलब रूम वगैरह बुक करके वैसे रख के जा सकते हैं? देखो, रूम का तो जो जो सिंपल फंडा ऑल ओवर इंडिया होता है वही है कि आप अगर होटल बुक करेंगे और होटल वाले से बात कर लेंगे आप कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, एक दिन आपके यहाँ रुक गए हैं और हमारी वापसी 4 तारीख की, हमारा सामान रख लीजिए, तो होटल वाले तो हर जगह रख ही लेते हैं। ठीक ठीक है सर, ठीक है जी। है, तो मतलब उधमपुर पे नहीं मिलेगी बच्चों को ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, ठीक।